पीएम विश्वकर्मा योजना में आप किस तरीके से फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों सरकार ने जो भाई सुनार हैं, लोहार हैं, या फिर कोई दर्जी का काम करते हैं, या फिर कोई कारपेंटर हैं, या कोई उनका पुराना प्रोफेशनल बिजनेस है, तो उनको जो है उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना निकाली, पीएम विश्वकर्मा योजना। तो इसके तहत जो है अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसके तहत आपको 1 लाख का लोन मिलेगा, उसके बाद टूल किट के लिए जो है पैसे आपको मिलेंगे। तो पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में पीएम विश्वकर्मा लिखना है, और जैसे आप लिखेंगे इसकी पहली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड नाव पर यहाँ पर दो विकल्प आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि आप क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर अगर हैं तो येस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो यहाँ पर हम नो करेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी नो कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर वो डालना होगा जो आपके आधार कार्ड में लगा हुआ हो। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड, वही आधार कार्ड आपको यहाँ पर दर्ज देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में कैप्चा डाल के कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर हम कैप्चा डाल के जो है कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर जो है अगर आपने पहले से फॉर्म भरा रखा होगा तो यहाँ पर सीधे लॉगिन के लिए आ जाएगा, या तो डायरेक्ट आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक बार फॉर्म जो है लॉगिन किया था, तो इसलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से वही मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। यहाँ पर जो है जो ओटीपी जाएगी मोबाइल पे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देनी है, और डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर उसी आधार नंबर से आपको बायोमेट्रिक करा देनी है। तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे, बायोमेट्रिक आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके से फिंगर जल जाएगी, और उस पर आपको आधार कार्ड जो लगा है उनका, तो उनको अंगूठा रख देना है, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से फार्म आपका जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है कुछ डिटेल आप ऑटोमेटिक मिल जाएगी। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, उसके बाद दिव्यांग है तो एस नो का यहाँ पर जो है रिप्लाई दे देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप उसी स्टेट से हैं तो आपको इस पर टिक लगा देना है, एस कर देना है। उसके बाद उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यहाँ पर लिखा है आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर एस कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड में यहाँ पर मिनोरिटी यानी अल्पसंख्यक हैं तो आपको एस करना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर जो है आपको पैन कार्ड नंबर दे देना है, नहीं है तो उसको आप विकल्प को छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर इनके पास जो पैन कार्ड है वो हम डाल देते हैं। यहाँ पर आपका राशन कार्ड आ जाएगा, और जितने राशन कार्ड में आपके यूनिट होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपके जो है आधार एड्रेस में आपका जो एड्रेस है वो शो हो जाएगा। उसके बाद जो करंट एड्रेस है वो आप सेम रखना चाहते हो, यहाँ पर आपको टिक दे देना है। उसके बाद यहाँ पर उसी ग्राम पंचायत में आप रहते हैं, उसी ग्राम पंचायत से ये फॉर्म डालते हैं, तो आपको यहाँ पर एस करना है। अगर उस ग्राम पंचायत से फॉर्म नहीं डाल रहे हैं तो नो कर देना है। तो यहाँ पर हम उसी ग्राम पंचायत से एस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक में जो है वो मिर्जापुर करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत में जो भी ग्राम पंचायत आपकी है वो ग्राम पंचायत यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है प्रोफेशनल ट्रेड डिटेल में आपको जो है जिस भी ट्रेड से हों, सुनार हों, दर्जी हों, कारपेंटर हों, यहाँ पर बहुत से आपको विकल्प जो है मिल जाएंगे, वाशरमैन हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपको जो है अपनी ट्रेड जो है सेलेक्ट कर लेनी है। उसके ऊपर जो है अगर ये प्रोफेशनल बिजनेस आपका रहा है तो आपको यहाँ पर टिक दे देना है। यहाँ पर जो है सेम एज आधार एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जब आपको लगे कि पूरा फॉर्म सही है तो उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल जो है वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेविंग बैंक डिटेल में आपको सबसे पहले नेम ऑफ बैंक, तो यहाँ पर जो भी बैंक का नाम है आपका वो डाल देना है, वो बैंक आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो भी बैंक आप यहाँ पर फिलअप करेंगे या फिर डालेंगे या सेलेक्ट करेंगे वो उसी बैंक का यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड लिखकर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, तो लिस्ट में जहाँ भी जो भी प्लेस है वो प्लेस आपको जो है इसमें सर्च करना है। तो यहाँ पर हम जो जरियनपुर से रहने वाले हैं यानी जरियनपुर की ये बैंक है, तो जरियनपुर हम यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अपना अकाउंट नंबर जो है फिल करना होगा, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर में हम अकाउंट नंबर इनका डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म में भी वही अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा जो आपने पीछे डाला है। तो इस तरीके से आपको डाल देना है। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर जो है
आपको जो है कितना जो है अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो यहाँ पर लोन चाहिए तो आपको यहाँ पर आपको एस करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है जितना भी आपको लोन चाहिए तो यहाँ पर मिनिमम आप 50,000 ले सकते हैं और अधिकतम जो है वो 1 लाख जो है वो ले सकते हैं 18 महीने के लिए। अगर 2 लाख लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो जो है उसके पीरियड जो है टाइम पीरियड है जो बढ़ा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो है लोन किस पर्पज़ से आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको टिक लगा देना है, तो यहाँ पर जो हम सभी पर टिक लगा देते हैं, आप अपने हिसाब से जो अभी टिक लगा लें। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की साइड में डिजिटल इन इंसेंटिव डिटेल लिखा है, तो यहाँ पर जो है आपको जो है अगर आपके पास UPI ID है तो यहाँ पर एस करके जोड़ देनी है, नहीं तो आपको सेव कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो डिटेल है वो इस सिस्टम में पूरी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर स्किल यानी टूल किट, तो टूल किट में अगर आप अपनी मार्केटिंग सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे की साइड में आपको जो है विकल्प दिए होंगे, उस पर टिक लगाना है, उसके बाद ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर भी पूरी डिक्लेरेशन आपको आई एग्री करना है, उसके बाद ओके करना है। आपके साथ यहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन शो हो जाएगा, तो उसी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपने पास अपने रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो है लास्ट स्टेप में जो है आपको एक प्रिंट मिल जाएगी, वो प्रिंट आपको डाउनलोड कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पर जब हम अब प्रिंट पे जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि प्रिंट जो है डाउनलोड नहीं होती, तो वो सर्वर की प्रॉब्लम है, कभी कभी OTP नहीं मानती है जब आप लॉगिन करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है पूरा फॉर्म कर सकते हैं, तो ये फॉर्म जो है आपको जो है प्रधान से वेरीफाई करा के जो है ब्लॉक में जमा कर देना है। तो इस तरीके से आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा किस तरीके से आप PM विश्वकर्मा योजना में फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से PM विश्वकर्मा में आप फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपका फॉर्म जो है लॉगिन नहीं हो रहा है, उसमें जो है इनवैलिड OTP का जो है वो विकल्प आ रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में जो है आप जो है सुबह जो है वो मॉर्निंग में जल्दी ट्राई करें या फिर लेट थोड़ा ट्राई करें, तो आपका जो फार्म है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसमें जो है कोई भी डाउट रहता है, कोई भी संदेह रहता है कि जो फार्म है वो कैसे वेरीफाई होगा, किस तरीके से वेरीफाई होगा, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा रिप्लाई देंगे किस तरीके से आपका जो फार्म है पूरा जो है वेरीफाई होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।